अगर आपका भी बजट 7.5 लाख से 8.5 लाख रुपए के बीच है तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होंगे कि कौन सी गाड़ी खरीदूं। और मार्केट में दो बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जिसमें एक पहला तो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में उभर के आता है, यानी कि निसान की मैगनाइट। दूसरी गाड़ी हमारी यहाँ पे एक हैचबैक के रूप में उभर के आती है, यानी कि अपनी मारुति की स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट लगभग आपको 8 लाख से 8.5 लाख रुपए के बीच पड़ जाती है, और वहीं जो अपनी निसान की मैगनाइट है, ये गाड़ी आपको 7.20 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच पड़ जाती है। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियों में लगभग 1 लाख रुपए 80,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है वेरिएंट टू वेरिएंट वाइज। तो कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि भाई कम फीचर वाली मारुति स्विफ्ट ले लूँ, ज़्यादा अच्छी रिलायबिलिटी मिलेगी, मारुति का भरोसा मिलेगा, या फिर ज़्यादा फीचर्स वाली और ज़्यादा अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज निसान मैगनाइट का खरीदूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इसी बारे में बातें करते हैं, कौन सी गाड़ी किस पर्पस के लिए, किस पर्सन के लिए बनी है, क्योंकि बेहतर तो दोनों ही गाड़ियां हैं। अगर निसान मैगनाइट अच्छी ना होती तो निसान वाले मार्केट में रहते क्यों? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप एक तरफा निसान मैगनाइट को बेकार गाड़ी बता दें। निसान मैगनाइट काफी अच्छी गाड़ी है, एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, लेकिन वो गाड़ी सब लोगों के लिए नहीं बनी है। अब किन के लिए बनी है, हमें उन्हीं की बात करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, निसान मैगनाइट में 2 इंजन ऑप्शन हैं, लेकिन जिस वेरिएंट को हम यहाँ पे रख रहे हैं वहाँ पे हमें टर्बो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस गाड़ी में हमें 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो 71 bhp जनरेट करता है 96 Nm टॉर्क के साथ। इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और बेस वेरिएंट में गाड़ी के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी है। अब दूसरी तरफ मारुति स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इस गाड़ी में आपको 80 bhp मिलती है 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, और ये गाड़ी आपको 112 Nm टॉर्क जनरेट करके देगी। VXI वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। बात दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की करूँ तो मैगनाइट में आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, टिल्ट स्टीयरिंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग, EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, स्पीड अलर्ट, हिल असिस्ट, रियर पार्किंग 4 सेंसर्स। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी के सेकंड बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, और बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की काफी अच्छी है। इधर मारुति स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट से फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, ABS, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, EBD, ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, डोर अजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, 1 टच ड्राइवर विंडो दोनों ही गाड़ियों में मिलती है, हिल असिस्ट, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, एंटी थिफ्ट अलार्म। ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो मारुति स्विफ्ट में सेफ्टी के नाम पे मिल जाते हैं। और सबके साथ साथ निसान मैगनाइट के सेकंड बेस वेरिएंट में भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वगैरह मिलती है, यानी कि जरूरत के सभी फीचर्स वहाँ पे दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब बात दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर की जाए तो निसान मैगनाइट में फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको ग्रिल मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको सेकंड बेस वेरिएंट में हेलोजन हेडलाइट मिलने वाली है। फोग लाइट इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती, DRL वगैरह कुछ नहीं है, ऑटो हेडलाइट वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं मिलती। ब्लैक कलर आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लगता है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएगी। ORVM पे माउंटेड आपको LED में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। 16 इंच के बड़े आपको ब्लैक फिनिश के साथ स्टील रिम मिल जाते हैं। आउटसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश में बेस वेरिएंट से मिलने लगते हैं। गाड़ी के टेल सेक्शन में आएंगे तो डिफोगर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वाशर और वाइपर आपको सेकंड बेस वेरिएंट में मिल जाता है। हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है LED में स्पॉइलर पे, और गाड़ी के रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर्स के साथ आपको रियर में स्किड प्लेट मिल जाती है बड़ी बड़ी सी, और यहाँ पे आपको फुल्ली हेलोजन टेल लाइट्स मिल जाती है। ओवरऑल अगर निसान मैगनाइट का रियर या फिर फ्रंट या फिर साइड लुक देखा जाए तो गाड़ी कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगती है कि भाई पूरी कंप्लीट सी गाड़ी है। ऐसा नहीं लगता कि आप बेस वेरिएंट या फिर सेकंड बेस वेरिएंट चला रहे हैं, इनकम्प्लीट कहीं से नहीं लगती। इधर मारुति स्विफ्ट के फ्रंट में जैसे ही हम देखेंगे तो हेलोजन हेडलाइट मिलने वाली है प्रोजेक्टर के साथ। LED यहाँ पे भी नहीं है, ना ही फॉग लाइट है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर बम्पर्स मिलने वाले हैं, और फ्रंट की ग्रिल देखेंगे तो ये भी हमारी पियानो ब्लैक के साथ रहने वाली है। स्किड प्लेट वगैरह इस गाड़ी में नहीं मिलती। साइड में आएंगे तो स्विफ्ट में आपको 14 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं व्हील कैप के साथ। आउटसाइड डोर हैंडल आपके बॉडी कलर में रहेंगे, क्रोम फिनिश नहीं है। ORVM पे आपको LED में इंडिकेटर मिल जाता है। रूफ रेल्स वगैरह इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती। जैसे स्विफ्ट के टेल सेक्शन को देखेंगे फुल्ली LED टेल लाइट्स मिलने वाली है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। कैमरा इस गाड़ी में भी नहीं है। वाइपर वाशर डिफोगर कुछ भी आपको स्विफ्ट के सेकंड बेस वेरिएंट VXI में नहीं मिलता। अब मारुति स्विफ्ट VXI के ड्राइवर साइड दरवाजे को देखेंगे तो आपको पूरा ब्लैक मिलने वाला है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिलता है, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं है। इस गाड़ी में जैसे डैशबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक में आपको इंटीरियर मिलने वाला है। डिकट में स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। स्टीयरिंग पे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है। डिजिटल प्लस एनालॉग में MID मिलती है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गाड़ी में मिल जाती है। 7 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। इसमें आपको वायर्ड, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
ऑक्स एफएम सब कुछ मिल जाता है। नीचे आपको मैनुअल एसी मिलता है, देखने में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगता है लेकिन ये एसी मैनुअल ही है। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 5 स्पीड गियर नॉब मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं। फ्रंट की 2 सीटों के आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे लेकिन VXI वेरियंट में आपको सेकेंड रो के हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलने वाले और ना ही इस गाड़ी में आपको सेकेंड रो में एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। लेकिन इधर निसान की मैग्नाइट में भी आपको फुल्ली ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है। ड्राइवर साइड डोर पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वॉल्यूम्स मिल जाते हैं अपनी इस गाड़ी में निसान मैग्नाइट के सेकंड बेस वेरिएंट में। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ साथ गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पे भी नहीं मिलता लेकिन स्टीयरिंग पे आपको दोनों साइड कुछ ना कुछ माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश के साथ डी कट में ही स्टीयरिंग व्हील अपना मिल जाता है। टच स्क्रीन मिलती है, लगभग 9.5 इंच की यहाँ पे टच स्क्रीन दी गई है। इसमें भी आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, निसान मैग्नाइट में मिल जाते हैं। 4 स्पीकर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, एक USB फ्रंट में आपको चार्जर भी मिल जाता है, 2 बोतल होल्डर्स मिलते हैं। एसी वेंट के आसपास आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड इस गाड़ी में दिया गया है। 4 हेडरेस्ट निसान मैग्नाइट में आपको बेस वेरिएंट से ही एडजस्टेबल मिलने लगते हैं। सेकंड रो में बेस वेरिएंट से ही आर्मरेस्ट भी दिया गया है। बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस की। स्विफ्ट का सेकंड बेस वेरिएंट आपको VXI पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाता है। पेट्रोल CNG में वो यहाँ पे 1,10,000 रुपये का फर्क है। पेट्रोल में आपको 8,20,000 रुपये ऑन रोड देहरादून और CNG में 9,30,000 रुपये ऑन रोड देहरादून आपका स्विफ्ट का VXI वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन इधर मैग्नाइट का आपको सेकंड बेस वेरिएंट जो है इस गाड़ी का काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, यह वेरिएंट आपको 7,40,000 रुपये ऑन रोड देहरादून मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,40,000 रुपये और 8,20,000 रुपये, तो सीधा सीधा 80,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों में। हम मानते हैं स्विफ्ट में आपको 1200cc का इंजन मिलता है लेकिन वहाँ पे भी 3 सिलेंडर ही है और मैग्नाइट से ज़्यादा पावर मिलती है आपको स्विफ्ट में, यह भी हम मानते हैं। लेकिन मैग्नाइट में आपको बड़े व्हील्स मिलते हैं, एक SUV वाले लुक मिलते हैं, कहीं ना कहीं एक SUV वाला कैरेक्टर है। तो मैग्नाइट की इन चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, वो बात अलग है। 80,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, स्विफ्ट में आपको थोड़ी रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी लेकिन निसान मैग्नाइट भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अभी निसान के पास मात्र निसान मैग्नाइट ही है और मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई है। गाड़ी की लगभग 4,000 से 5,000 यूनिट्स हर महीने सेल हो रही हैं। अब बात करते हैं किसको VXI पे जाना चाहिए या फिर किसको निसान मैग्नाइट के सेकंड बेस वेरिएंट पे। तो अगर बिल्कुल मारुति का ही भरोसा चाहिए, मारुति से अलग कहीं जाना नहीं है, माइलेज भी चाहिए और पावर भी ठीक ठाक चाहिए, तो मारुति स्विफ्ट बेहतर है। लेकिन अगर हल्का फुल्का खड्डों वड्डों में जाने का शौक है या फिर हल्का फुल्का आपका एक ऐसा ऑफ रोडिंग वाले ट्रेन में आपका डेली आना जाना रहता है तो निसान मैग्नाइट में 16 इंच के बड़े व्हील मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं खड्डों को थोड़ा सोख लेंगे। उसके साथ थोड़ा हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, स्विफ्ट से अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, तो कहीं ना कहीं मजे आने वाले हैं। थोड़े आप कीचड़ वीचड़ में ले जाने में गाड़ी को नो टेंशन रहेंगे। मेरे हिसाब से निसान मैग्नाइट ज़्यादा बेहतर है और 80,000 रुपये कम में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिल रहा है। और मारुति की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं इसलिए इनके भाई सर्विस सेंटर वालों के भाव भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी निसान वाली गाड़ी को खरीदते हैं तो इनके सर्विस सेंटर में भी उतनी भीड़ होती नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का काम तसल्ली से होगा और एक रीजनेबल प्राइस में भी काम होगा जो कि मारुति के शोरूम में अब नहीं होता। तो मेरे हिसाब से निसान मैग्नाइट इस कंपैरिजन की विजेता बन जाती है। निसान मैग्नाइट का सेकंड बेस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, स्विफ्ट को बिल्कुल छोड़ देना।